क्या हुआ? रुक क्यों गई अंकिता? मुझे लग रहा है कि हमें एक बार संध्या और सूरज जी से बात करनी चाहिए थी। उस वक्त वो परिवार बहुत परेशानी में था, शायद इसी वजह से उन्होंने हमें दोनों बच्चे के मामा मामी कह दिया। वैसे एक बच्चे के तो मामा मामी है ना हम लोग, यही मतलब होगा सूरज जी का। तुम्हें क्या लगता है अंकिता? मुझे नहीं पता कि सूरज जी परेशान थे, और अगर परेशानियों की ही बात हो रही है तो परेशान मैं भी था। लेकिन फिर भी एक बार तो सूरज जी और संध्या क्या बात करते अंकिता? और कैसे बात करता? बच्चा उनका, वादा उन्होंने किया, आज जिस तरीके का माहौल बनाया है उन सबके बीच में, उसे देख के लगता है तुम्हें कि कोई बात करने की गुंजाइश भर भी? उनकी बातें, उनकी खुशी, उन्हें देख के लगता है कि वो अपना बच्चा हमें देंगे? लेकिन हमारी बुलबुल, बुलबुल को भी तो उम्मीद उन्होंने ही बांधी थी ना, हमने तो जाकर उनसे नहीं कहा था ना। हाँ, लेकिन मैं उन्हें उनका वादा याद दिला के बच्चा नहीं मांग पाऊंगा। देखो अंकिता, मैं अपनी बहन का दिल नहीं दुखा पाऊंगा। और बुलबुल, बेटा वो बेबी। बुलबुल बेटा, वो क्या है कि बेबी बहुत छोटा है ना, इसलिए अभी नहीं आया। अरे हाँ, अभी तक तो डॉक्टर आंटी ने भी छुट्टी नहीं दी होगी। हाँ, कोई बात नहीं, जैसे ही उसके हॉस्पिटल से छुट्टी होगी हम ले आएंगे। तब तक मैं बहुत सारी तैयारी कर लूंगी, बेबी के लिए बहुत सारी चीजें ले आऊंगी। बुलबुल का एक्साइटमेंट देखकर, उसकी बातें सुनकर हिम्मत ही नहीं हो रही उसे सब कुछ सच सच बताने की। सही कहा तुमने, इतनी उम्मीद बांधकर बैठी है वो मासूम, अब कैसे बताऊं उसे कि वो सब उम्मीदें झूठी हैं, अब उसे वो बच्चा नहीं मिलेगा। मम्मी पापा, आप लोग तो बेबी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो, सब तो मुझे सोचना पड़ रहा है। आज संध्या बुआ मेरा बेबी ला दी है, वो मैंने मोहित अंकल से बात की है, उन्हें बोले कि 7 दिन पूरे हो गए ना, वो लोग संध्या बुआ को छुट्टी दे रहे, संध्या बुआ घर आ रही है। अब बुलबुल बेटा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, वो बेबी है ना वो। नहीं मामा, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। अपने बेबी का वेलकम कैसे करना है ये मैंने सोच के रखा है। चले मामा, चलो पापा। चलो। नो चीटिंग, आंखें नहीं खोलना। नो चीटिंग, बस अभी आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। कि बुलबुल को ये बात कहीं और से पता चले, मुझे लगता है हमें उसे ये बात बता देनी चाहिए। पापा, पापा, पता है पापा आपको? बुलबुल बेटा, वो मैं कुछ समझाना चाहता हूँ तुम्हें।
पापा? बेटा वो बात ये है कि मम्मी पापा, मेरा बेबी आ गया, ये, ये। बुलबुल, बुलबुल, मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया। फूफा जी, मेरा बेबी नहीं लाए? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बेबी नहीं लेके आया। बल्कि तुम्हारा बेबी मुझे यहाँ पे लेके आया। देखो, मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया, मेरा भाई आ गया। मम्मी, पापा, मेरा बेबी आ गया। अब मैं इसके साथ खूब खेलूंगी, खूब मजे करूंगी। दिखाओ ना, दिखाओ ना। देखो अपने भाई को। वाह, कितना क्यूट है। मम्मी पापा, अब ये मेरे पास रहेगा। मैं इसके साथ ही रहूंगी, इसके साथ साथ खेलूंगी, साथ में स्कूल जाऊंगी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा ये। बुलबुल, पापा जी सारी बातें यहीं दरवाजे पर कर लोगी, उन्हें अंदर नहीं बुलाओगी? चलो दिखाओ इसका कमरा। मैं तो भूल ही गई, मुझे अच्छा सा फोटो खींचना है बेबी का। मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। मैं अभी कैमरा लेकर आई। फूफा जी, बेबी को थोड़ा कैमरा की तरफ करिएगा। पापा जी, ये कितना प्यारा फोटो है ना। पापा देखिए ना, कितना प्यारा लग रहा है हमारा बेबी। चलिए अंदर जाके फोटो लगाते। चल, अब जरा इसकी फोटोग्राफ लगा के आओ। चलो 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 चलो। गलत नहीं कहा था सूरज जी, आज हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे हम अपना एक हिस्सा काट के किसी को दे रहे हैं। काश ये पल हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे थम जाए और इस पल की याद हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाए। तुम्हारे पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं बेटा। कभी भी अपने पापा को गलत मत समझना। तुम किसी के घर में इसलिए जा रही हो ताकि उनके घर में जाके खुशियां बांट सको और अपने पापा का नाम रोशन कर सको। तो मेरा बेटा है और तुम्हारी मम्मी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, याद रखना हमेशा। देखो देखो संध्या जी, हमारा बच्चा हमारी बात समझ रहा है। आज हम कमजोर पड़ रहे हैं तो ये हमें समझा रहा है, हमें हिम्मत दे रहे हैं और ये कह रहा है कि पापा मम्मी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू बेटा, इस मुश्किल घड़ी में हमें हिम्मत देने के लिए। बेबी,
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।